गगन में होती जैसे तारों की झिलमिल। ये है नवसाक्षर महफिल, ये है नवसाक्षर महफिल, ये है नवसाक्षर महफिल, ये है नवसाक्षर महफिल। नमस्कार साथियों, और सब ठीक हैं? कुशल मंगल? तो आज के लिए तैयार हो? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आज का विचार, समाज व्यक्ति से ऊपर है और राष्ट्र समाज से बढ़कर है। भाई वाह, सविता जी हमारे साथी तो बहुत ही संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक हैं। भैया जी, संवेदनशील क्यों हुए, जरा अच्छे से समझा दो। क्यों सविता, तुम समझाओगी क्या इन्हें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम सब एक समाज में रहते हैं, चाहे वो गांव हो या शहर। सबसे पहले हमारा घर होता है, फिर पास पड़ोस या मोहल्ला, फिर नगर या प्रांत, फिर होता है प्रदेश, और सब प्रदेशों को मिलाकर बनता है हमारा देश या राष्ट्र। वो तो हुआ दीदी, मैं वही तो समझा रही हूँ कि हर स्तर पर जो महत्वपूर्ण है वो है हमारी इकाई, छोटी से छोटी इकाई, और वो है व्यक्ति। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार, छः, दस, सौ, हजार, लाख, आगे संख्या कितनी भी बढ़ाते जाओ, और इन सब लोग बागों के समूह से मिलकर बनता है हमारा समाज। तो दो चीजें निकल कर आती हैं, बताओ क्या क्या? व्यक्ति और समाज। बहुत ही अच्छी बात कही संकल। देखो साथियों, दोनों ही स्तरों पर हम लोगों में आपसी समझ जरूर होनी चाहिए, यानी एक व्यक्ति दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करे जिससे आपसी प्रेम बढ़े और हमारे पूरे समाज की उन्नति हो, इसको कहेंगे व्यक्तिगत संवेदना। और एक समाज दूसरे समाज के साथ कैसा व्यवहार करे ताकि आपस में सद्भावना बढ़े और एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर का भाव, इसको कहेंगे सामाजिक संवेदना। अरे राम जी भला करे मनीष भैया। हाँ? यो कौन सी नई बात हुई। अरे भैया, ये तो वही बात हुई कि डालोगे ईंट तो खाओगे चीट। अरे काकी, तुम तो बड़ा गरम गरम खावे हो। बात तो बिल्कुल ठीक कहे हो तुम, पर कम से कम बातचीत को आगे तो बढ़ने दिया करो। अरे राम जी भला करे, चल मैं तो चुप हूँ, शांति रख जरा। हाँ मनीष भैया, कहो अब क्या कहते हो। बड़ी मोटी सी बात है काकी। देखो साथियों, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम अपने साथ करवाना चाहते हैं। यू बात तो है कि हर आदमी यू चाहवे कि वाको आदर होए, वाको सम्मान होए और वाकी बात भी सुनी जाए। क्यों मनीष भैया? बिल्कुल ठीक कहा काका तुमने। बैठो सविता। लेकिन काका, इससे पहले कि दूसरे लोग हमारी बात सुने, हमें भी उनकी बात सुननी चाहिए। हमें उनकी मन की स्थिति को जानना चाहिए कि वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं है, या कोई परेशानी या उलझन तो नहीं है जो उन्हें हमारी बात सुनने के लिए मजबूर कर रही है, जिस वजह से वो हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यो बात तो आप ठीक कहो मनीष भैया। अरे कभी कभार तो ऐसा हो जावे है कि हमारा ध्यान तो होवे कहीं और सामने वाले की तो बात हम सुन ही नहीं पाते। ठीक बात। तो काकी, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगले की भावना का ध्यान करके फिर सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। हाँ दीदी, मैंने कल ही पढ़ा था, पहले तोलो फिर बोलो। इसी बात पर मुझे रहीम का एक दोहा याद आया, सुनाऊं? हाँ, तो सुनो। रहीमन रहीमन जिव्या बावरी, कह गई स्वर्ग पताल, आप कह भीतर भई और जूत खाए कपाल। यानी हमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी अनर्गल या अंटशंट बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उसे कष्ट हो या दुख पहुंचे, क्योंकि जबान का क्या, वो तो कहकर अंदर चली जाएगी और बाद में जलील हम ही को होना पड़ेगा। भैया जी, जिसकी जबान हल्की होवे है ना, उसकी बात में कोई वजन भी ना होवे, और अगर वो कोई पते की बात भी बोले है तो लोग उसकी बात को गंभीरता से ना लेवे। बेशक, लेकिन अब तो हम सभी ये बात भली भांति समझ चुके हैं कि हमको केवल वही बात कहनी चाहिए जो अच्छी हो, सत्य हो और प्रिय हो। अरे राम जी भला करे मनीष भैया, तुम्हारा सच्ची बात तो हमेशा ही कड़वी हुआ करे है। सत्य कठोर तो होता है काकी, क्यों?
लेकिन शास्त्रों में कहा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी सत्य बोलो और प्रिय बोलो। अब उदाहरण के लिए ले लो, जैसे कोई अंधा व्यक्ति है या कोई लाचार है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उसे अंधा कहकर पुकारें, आदर के साथ सूरदास जी कहकर भी बुला सकते हैं कि नहीं। ये तो है, एक तो बेचारा नेत्रहीनता से दुखी और दूसरे उसे बार बार अंधा अंधा कहकर उसके दुखती रग को छेड़ना कितनी बुरी बात है। सविता बिटिया, हमें तो अब तुम एक बात बता दो, अब कछु काम की बात भी होएगी या कोयल की कुहू कुहू ही होती रहेगी? ना कुहू देख लो मनीष बेटा, यू थोड़ा बहुत शरारती है तो करो, अब देखो और ना तो मैं कोयल बना दियो। रामू काका, एक तरह से ये बात बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि हम सभी लोग बातें बहुत करते हैं, और जबकि होना ये चाहिए कि बातें कम और काम ज्यादा। मनीष जी, हम लोग व्यक्तिगत संवेदना की बात कर रहे थे। व्यक्तिगत संवेदना का दायरा बहुत बड़ा है, ये केवल आपस में बोलचाल तक ही सीमित नहीं है। हमें प्रिय तो बोलना ही चाहिए, लेकिन साथ में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का अहित हो, कष्ट हो या उन्हें कोई दुख पहुंचे। मनीष भैया, ये बात कुछ समझ नहीं आई, कोई उदाहरण देकर समझाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मान लो जैसे तुम्हारे घर में कोई उत्सव हो, किसी का जन्मदिन हो या शादी हो, तो आप खूब मजे से नाचो गाओ, खाओ पियो, खेलो कूदो और खूब अच्छी अच्छी बातें करो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अपने लाउड स्पीकर को इतनी तेज चलाओ कि आपके पड़ोसी परेशान हो और उनके कानों के पर्दे फट जाएं। जिन बच्चों की परीक्षा चल रही हो, भारी शोर होने पर उन पर क्या बीतती होगी, और छोटे छोटे बच्चे जो शोर सहन ही नहीं कर पाते, उनकी तो कैसे मुसीबत आती होगी। अरे राम जी भला करे, रामू काका, इस शोरगुल से तो बड़े बूढ़े और बीमारों पर तो मुसीबत ही आ जावे है। तो आप समझे, यही बात आती है व्यक्तिगत और सामाजिक संवेदना की, यानी आप अपने घर की नाली का पानी, यानी नहाने धोने का और रसोई का गंदा पानी इस तरह निकालें कि रास्ते में कोई कीच खांचा पैदा ना हो जाए, या फिर पड़ोसी के घर की जड़ों में सीलन या बदबू ना पैदा कर दे। मनीष भैया, ये बात तो सही है, कभी कभी घर की छत और प्रणाली इनते क्या है, आपस में आस पड़ोसी की लट बच जाए। तो भैया, हमें यू चीज को ध्यान रखना चाहिए कि भैया काऊ हमारे काम ते, काऊ पड़ोसी को, कई आसपास के रहने वाले को कचू काम तो ना बिगड़ रहे हो, यू सोचना चाहिए भैया। सही बात। अरे मनीष भैया, मेरे पड़ोस में तो ढोर डांगरों के पीछे अक्सर लड़ाई होती रहती है भाई। कभी तो पन्ना की भैंस है ना, वो गेंदा के आंगन में चली जाए और वो ढेर सारा गोबर कर दे, और काका कभी गेंदा की बकरियां वो पन्ना के आंगन में जाकर ढेर सारी मैंगनी कर दे, और भैया फिर होने दो महाभारत। अरे तो तुम सब ये कैसे सह सके हो, समझाते क्यों ना हो पन्ना और गेंदा के घर वालों को। अरे कौन पंगा ले भाई, कभी तो अगर आएगी अगले को। भैया अगर आप लोग ऐसे ही सहते रहोगे तो उनको तो बढ़ावा मिलेगा और लड़ाई झगड़ा करने का। बिल्कुल ठीक बात है, आप सभी जानते हो महात्मा गांधी ने कहा था कि अन्याय करना ही नहीं, अन्याय सहना भी पाप है। और आपको मालूम है पाप क्या होता है? देखो, दिन भर के हल्ले गुल्ले से, शोर शराबे से मन के अंदर जो झुंझलाहट पैदा होती है, जो तनाव पैदा होता है, वही पाप होता है। अब सुबह सुबह ही घर में क्लेश हो जाए तो दिन भर दिमाग में तनाव, एक अजीब किस्म का खिंचाव और झुंझलाहट रहती है, यही पाप है। अब यही तो परेशानी है कि उन्हें समझाए कौन, आखिर कौन बांधे बिल्ली के गले में घंटी, सभी तो चूहे बनकर रहते हैं। यही बात की तो सगरी बीमारी है कि हम गूंगे बहरे बनके और अन्याय सहते रहते हैं। और या तो क्या होवे, जो गलती कर रहा है ना और वो गलत काम कर रहा है, भैया उसे और बढ़ावा मिल जाए। सही बात है बिल्कुल ये। अरे काका राम जी भला करे तुम्हार, हाँ यो भी कोई बात हुई भला। काले को काला और सफेद को सफेद कहने की हिम्मत हर जिम्मेदार नागरिक की होनी चाहिए, और गलत काम के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी समाज को अपने अंदर पैदा करनी होगी। बेशक भैया, नहीं तो होगा ये कि जेब कतरा तो सरे आम लोगों की जेब काटते रहेंगे, और ताकतवर मुस्टंडा है ना, धींगा मस्ती से सारी जनता परेशान करते रहेंगे। और मैं बताऊं, सबसे पहले मिलकर ना हम सब सुबोध के पड़ोसियों को समझाएंगे। हाँ बिल्कुल, उन्हें लड़ने झगड़ने से रोकेंगे। अपने मोहल्ले में ये जो शोर प्रदूषण हो रहा है, इसे रोकना है सबसे पहले। बिल्कुल। देखो जी, सुबह से
शीघ्रम। तो चलो भाइयों, या काम को आज सांझ को ही कर डालते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। काका आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी। क्यों ना भैया, कल वाला खेला फिर होगा। हाँ भैया, बहुत मजा आएगा। कौन सा खेल? वही रुमाल झपटने का। लेकिन एक बात है, तुम्हारे इस खेल के शुरू होने से पहले हम सभी लोग आज ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हम समाज की सारी बुराइयों को दूर कर देंगे। भैया हम तैयार हैं। हाँ तो साथियों, हम सभी ने देखा रुमाल झपटने का ज्ञानप्रद खेल। सबसे पहली बात यह है कि हम कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फैलने देंगे, ना तो गंदगी फैलाएंगे और ना ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने देंगे। ठीक है भैया, हम ऐसा अवश्य करेंगे। और दूसरी बात, धूम्रपान और शराब की बुरी आदतें हमारे समाज को खोखला कर रही हैं, हम इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पर भैया हम ये कैसे करेंगे? जिनको पीने की आदत है वो भला क्या मानेंगे? और ये काम इतना आसान नहीं है कि धूम्रपान करने वाले को आपने कहा और वो एक बार में मान गए। इसके लिए हम सभी को पूरे समाज में जागरूकता लानी पड़ेगी। लोगों को धूम्रपान से होने वाली बीमारियां जैसे रक्तचाप, कैंसर, इन सभी आदि के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना पड़ेगा, पूरे समाज को शिक्षित करना पड़ेगा। मनीष भैया, क्यों ना हम नशा और ये शराब को छोड़ने वाला एक नाटक करें, मतलब कि जिसमें सब लोगों को प्रेरित किया जाए नशा छोड़ने के लिए। इसमें हम उसके उपाय भी बता सकते हैं और उससे होने वाले नुकसान भी बता सकते हैं। अरे वाह संकल्प, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। इस तरह का एक नाटक हम लोग अवश्य खेलेंगे। अपने अच्छे कामों से सद्भाव सदा फैलाए हम, भूख गरीबी बीमारी को देश से मार भगाए हम। आपस में मिलजुल के रहे संबंध बने से हिल, आपस में मिलजुल के रहे संबंध बने से हिल, ये है नवसाक्षर में। समाज को ठेस लगे
हाँ, क्या आप जानते हो कि इस मामूली से लगने वाले खेल के आपको कितने फायदे होंगे? भैया, सबसे बड़ा फायदा तो यू होएगो कि सबकी सुस्ती दूर रह जाएगी और या भाग दौड़ में मनीष भैया सबकी कसरत भी रह जाएगी। और तो और रामू काका, सब लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे और खुश भी हो जाएंगे। अच्छा, और क्या लाभ होगा संकल्प, बता सकते हो? दीदी, दोनों टीमों में खूब जमकर मुकाबला होगा, जिससे क्या है कि दोनों टीमों में एक एकजुट होकर खेलने की भावना आएगी। शाबाश संकल्प, इसी को तो अंग्रेजी में कहते हैं टीम स्पिरिट। भाई बहुत अच्छे। देखो साथियों, खेल कोई भी हो, उनसे हमें शारीरिक और मानसिक उत्साह प्राप्त होता है, प्रसन्नता होती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की होड़ भी लगती है। अरे भैया, आजकल तो हमारे भी गांव में ऐसी होड़ चल रही है। आप सभी तो जानो हो कि शादी ब्याह के दिन चल रहे हैं। अब तो भैया ऐसी पैज पड़ जावे है कि जिसके छोरा की शादी हो वो तो बोलेगा जी हमारी बारात होगी 200 लोगों की, और उसको देखकर बोलेगा तीसरा कि हमारी बारात तो 300 लोगों से कम नहीं होगी। और ऐसे तड़क भड़क होवेंगे कि सब याद रखेंगे। काका बताओ, ऐसी तड़क भड़क दिखाने की क्या जरूरत है? शादी ब्याह उत्साह से हो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फालतू की तड़क भड़क और फिजूल खर्ची बेकार की बातें हैं। अरे दीदी, ये कैसे होवेगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। जानो हो, अगर किसी से ये कहो ना कि अरे शादी में इतनी तड़क भड़क मत करे, तो पता है क्या बोले है, अरे तेरे काहे सर में दर्द हो रहा है, आखिर जो कुछ भी खर्चा वर्चा होवेगा वो तो मेरा होवेगा ना, तो फिर तू क्यों टांग अड़ावे है बीच में? ऐसे हिम्मत नहीं हारते संजला, पहले सिद्धांत रूप में उसे स्वीकार तो करो कि वो एक गलत काम है। भैया, ऐसी तड़क भड़क वाली शादी ब्याह में हम जाएंगे ही ना, तब वो अपने आप ही महसूस कर लेगा, है अपने आप अकेले थोड़ी कुछ कर लेगा वहाँ पर। अरे काका, दूर की बात छोड़ो, कम से कम हम सभी लोग तो अपने अपने मन में ये निश्चय कर ही सकते हैं कि हम अपनी शादी ब्याह में सादगी अपनाएंगे, ना तो दहेज लेंगे और ना देंगे। मनीष भैया, हम आपकी इस बात का समर्थन करते हैं और ये जो दहेज प्रथा है ना, इसके विरोध की भी प्रतिज्ञा करते हैं। अभी शादी तो आने दो, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, देखा शादी की कैसी जल्दी पड़ी है। हमने अक्सर देखा है कि गांव में कुछ ऐसी कुप्रथाएं भी हैं जो गांव वालों को हमेशा के लिए कर्जदार बना डालती हैं। यो बात तो आप एकदम ठीक कहो हो। आप सभी तो जवाली राम को तो जानो हो भैया, उसने तो अपनी चाची की 13वीं पर पूरे गाँव को बुलाया और पूरे 7 मन आटे के माल पुआ बनवाए, और भैया दूसरे खर्चे रहे अलग। अब तुम ही बताओ काकी, ऐसी सूखी शेकी बघारने से आखिर क्या लाभ? आप कर्जा सर पर लेकर बड़े बड़े भोज कराओ और उससे क्या मिलेगा, उम्र भर कर्जा ही पटाते रहोगे। और भैया, अपना पड़ोस का वो भजन लाल है ना, उसने तो हद ही कर दी, अपनी नाती के मुंडन पर पूरे 7 मेल की मिठाई करी, और भैया राम जी झूठ ना बुलाए, पूरे 600 लोगों को दावत दी है उसने। अपनी हैसियत से बाहर जाकर जो खर्च कर डालते हैं उन्हें तो पीछे पछताना ही पड़ता है। कभी कभी तो बाप का लिया हुआ कर्ज उनके मर जाने पर उनके बेटे और पोतों तक को चुकाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा। तो साथियों, अब थोड़ी ही देर बाद हम देखेंगे कठपुतली का नाच। आज देखते हैं कि ये कठपुतली हमें क्या संदेश देती है। ठीक है, ओला जोली जोली रा ढोला ले रियो ता, मारो ले रियो।
मनीष जी, मैंने एक नाटक तैयार किया है। ए टिल्लू की माँ, ओ टिल्लू की माँ, ए टिल्लू की माँ। क्या बात से? भगवान, मैं तेरे तक कह रहा था तू वोट घालन खातर नहीं जागी के? अजी, मुझे तो अभी घर के ढेरों काम हैं। मैं कहाँ जाऊंगी वोट डालने? अभी मेरे पास टाइम ना आए। देखे काम ना तुम्हार लठ और चाल उड़ा वोट डालन, वह काम बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ। यो बात है। हाँ। लो तो घर का काम तुम करो तो मैं वोट डालने जाती हूँ। भगवान, इस औरत ने समझाना तो बेकार है। अजी, मुझे एक बार बता दो कि तुम खाना कब खाओगे? खा ले तू उड़ा बैठ के, मैं तो जा रहा वोट डालन। कौन सा भाई? हाय हाय, अरे काहे दिमाग खा गए, मैं ना जाऊँ वोट डालने? अरे घर में भी मुझे ढेरों काम है। समझाना था ना? तू है समझा ले, एक घंटा हो रहा मना मत्था मारते। घर में जाके समझाऊं के रहा है? वोट पता क्या चीज हो, कुछ पता है इस चीज को? अच्छा, तू मुझे ये बता कि अगर मैंने वोट ना डाली तो क्या हो जाएगा? क्या हुए? ये देख, सुन ये पानी की आवाज, ये जो बूंद बूंद से पानी का मटका भर जा, घड़ा भर जा, तो एक बूंद मान ले पस भी खा ना, मैं तो न गिर रही इसमें, तो कैसे भर सके मटका? बता, भर सके? उसी तरह से वोट का हिसाब है, एक एक वोट से पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का, पूरी सत्ता बने है जिससे हमारा देश चले, ठीक है? तो ये वोट जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो मैं जिसको चाहूँ उसको वोट डाल सकती हूँ? और नहीं तो क्या, जिसको मर्जी वोट गिरो, इसमें कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी चले है? और एक चीज और, मान ले तुमने अपने वोट का प्रयोग ना करा, तुम सोचा हम के करेंगे, एक आदमी के वोट से के फर्क पड़ रहा? के फर्क ना होगा, के वो वोट कोई दूसरा आदमी गिर देगा। और जब गलत आदमी गिरेगा तो सत्ता किसके हाथ में आओगी? गलत आदमी के हाथ में आओगी। और जब गलत आदमी के हाथ में सत्ता आओगी तो भैया हमारे समाज का भी और हमारे राष्ट्र का भी बंटा ढार होगा। इतना जरूरी है यू? हाँ, अब सोचो मत ना। चल। और समय का ध्यान रखना भी जरूरी है। हाँ, इसीलिए खेल खत्म, पैसा हजम। कदम से कदम मिला के चले को, तो दूर निकलते हो, एक एक कर एक दीप से ये रोजी पक जलते हैं, दिल गगन में होती जैसे तारों की झिलमिल, ये है नौ साक्षर, ये है नौ।